हेलो प्रोग्रामर, तो कैसा चल रहा है आपका कोड। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रीम एपीआई के बारे में। बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ों को कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपने कमेंट्स में पूछा था, वो सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यार स्ट्रीम एपीआई में कोई भी रॉकेट साइंस से कॉन्सेप्चुअली कुछ बताने की ज़रूरत है, वो इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल रहेंगे, मतलब कि स्ट्रीम एपीआई बेस्ड कुछ एग्जाम्पल होंगे। तो अगर आप बोलोगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। एक तरह के प्रोग्राम्स होंगे जो कि शायद आपको मज़ा ना आए देखने में, तो अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं कवर करूंगा, अदरवाइज इसको यहीं पे ब्रेक कर दूंगा, मतलब यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। उसके बाद हाँ, कुछ चीज़ें रह जाएंगी, जैसे कंज्यूमर है, फंक्शन है, ठीक है, ये कुछ इंटरफेस है, जैसे कि प्रेडिकेट ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें रह जाएंगी जो कवर करूंगा, राइट, तो उनकी चिंता मत करो। चलिए आज की इस वीडियो में स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि स्ट्रीम क्या है। लोगों के डाउट थे, अभी भी मैं क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रीम, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, राइट। ये लाइन आपको समझ में नहीं आई थी वीडियो में, तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अरे पता है आपको क्या होता है, अरे क्या है यार, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है, या फिर वो ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, या फिर इंटीजर का हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग का हो सकता है, मतलब कि वो किसी ना किसी वैल्यूज का एक अरे होता है, मतलब लिस्ट होती है, राइट। तो बेसिकली स्ट्रीम भी कुछ नहीं है, स्ट्रीम भी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ही होता है। बस स्ट्रीम एपीआई के टर्म्स में उन सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को एरे ना बोल करके स्ट्रीम बोला जा रहा है, बस इतना समझो। इस तरह से रिलेट करोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो एरे क्या है, मतलब एरे ही एक तरह से स्ट्रीम एपीआई में स्ट्रीम बोला जा रहा है, दैट्स इट। क्योंकि अगर आपसे मैं पूछूं कि कलेक्शन क्या है, तो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ही तो है, उसमें डायनेमिक बस एलिमेंट जो साइज है रिसाइजेबल होता है, ऑटोमेटिकली श्रिंक हो सकता है, ऑटोमेटिकली एनहांस हो सकता है, दैट इज ओनली द डिफरेंस। एरे में क्या होता है कि यार फिक्स होता है, जबकि कलेक्शन फ्रेमवर्क फिक्स नहीं होता है, सो दैट इज ओनली द ब्यूटी ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, राइट। तो वही है, ठीक है। स्ट्रीम क्या है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है, जस्ट इक्वल टू एरे, ओके फाइन। अब गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड में। यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क में आपको पता होगा कि जो रूट पे है वो क्या है, एक कलेक्शन इंटरफेस, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलेक्शंस, आई एम टॉकिंग हियर कलेक्शन फ्रेमवर्क। एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क में रूट पे कलेक्शन एक इंटरफेस है, जिसके अंदर जावा 8 से दो नए मेथड ऐड किए गए हैं, एक है स्ट्रीम और दूसरा है पैरेलल स्ट्रीम। पैरेलल स्ट्रीम, अब पैरेलल स्ट्रीम क्या है गाइस, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कब स्ट्रीम के साथ जाओगे, कब पैरेलल स्ट्रीम के साथ जाओगे, जब आपको कंकरेंट प्रोग्रामिंग करना है देन यू कैन गो विथ पैरेलल स्ट्रीम, मतलब कि मल्टी थ्रेडिंग बेस्ड, और नॉर्मल जब यूज़ करना है तो स्ट्रीम के साथ जाना। आप चाहो तो कलेक्शन इंटरफेस यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, ओके वन सेकेंड, कलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे जावा यूटिल, ओके इसके अंदर जा करके दिखा देता हूँ, यहीं पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, राइट। ये रहा आपका पैरेलल स्ट्रीम, ठीक है, ये आपका पैरेलल स्ट्रीम है, और एक मेथड और है स्ट्रीम, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, आप देख सकते हो कंकरेंट प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली दिस वन यू कैन सी है, यहाँ पे पढ़ सकते हो बेसिकली, कुछ भी अंतर नहीं। थ्रेड बेस्ड के लिए पैरेलल, पैरेलल के साथ जाओगे, अदरवाइज यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रीम के साथ जाएंगे। अभी हम लोग स्ट्रीम देख रहे हैं, पैरेलल नहीं देखेंगे, राइट, ओके फाइन, इतना समझ में आ गया। अब गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर लेता हूँ कि स्ट्रीम में जो है, स्ट्रीम बनाया जाता, मतलब कि जो लिस्ट ऑफ एरे होती है या फिर एरे ऑफ एलिमेंट्स होती है उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग इनेबल हो जाए, राइट। इसलिए ताकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग इनेबल करने का मीनिंग क्या है यार, लाइन ऑफ कोड रिड्यूस कर दिया जाए, कोड जो है कंसाइज कर दिया जाए, रीडेबल बना दिया जाए, दैट्स वाई हम लोग जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के साथ जाते हैं, और कुछ नहीं। जैसे कि पाइथन यार बहुत छोटा कोड करता है, इसीलिए पाइथन थोड़ा सा पॉपुलर है। तो जावा में भी इसी तरह के इन्हेंसमेंट किए गए, कोड काफ़ी छोटा हो और रीडेबल हो, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रीम एपीआई का कॉन्सेप्ट आया जिसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग को इनेबल कर दिया गया सिंपली। तो जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल की
एक एरे है, उसमें से आपको नंबर्स को प्रिंट करना है या फिर नंबर्स को किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है मान लो कि फिल्टर करना है, तो आप क्या करते हो, बेसिकली क्या है, फॉर ईच लूप चलाते हो या फिर फॉर लूप चलाते हो, फिर उसके अंदर कंडीशन लगाते हो कि भाई ये ग्रेटर देने या लेस देने, तो वाले एलिमेंट्स प्रिंट हो और अदरवाइज प्रिंट ना हो, लाइक दैट, जैसे कि प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में मैंने करके दिखाया था फॉर ईच के साथ। तो वहाँ पे हम लोगों को फॉर ईच यूज़ करना पड़ रहा है तो फॉर लूप यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं तो एक लाइन में लिख देंगे तो सिंपली वो काम हो जाएगा, राइट। ओके, वो चीज अभी करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली क्या है, तो स्ट्रीम में जैसे कन्वर्ट हुआ, तो स्ट्रीम दो तरह के होते हैं, एक तो आपके इंटरमीडिएट बेस्ड होते हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट बेस्ड, ओके, ये एक तरह की कैटेगरी है, और कुछ मत समझिएगा इंटरमीडिएट, ओके, ये डी है, सॉरी, ठीक है, इग्नोर इट। एंड एक टर्मिनल बेस्ड, टर्मिनल, ओके, बेसिकली इंटरमीडिएट और टर्मिनल कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बस एक टर्म्स हैं जो कि आपको समझना है कि इंटरमीडिएट की कैटेगरी में कुछ मेथड्स आते हैं और टर्मिनल की कैटेगरी में कुछ मेथड्स आते हैं। टर्मिनल मतलब कि यार जो आपकी यू नो लाइन होती है, ठीक है, एक लाइन में जब आप कंसाइज कोड लिखते हो तो जो सबसे एंड में पॉइंट्स, एंड पॉइंट पे जो मेथड यूज होता है उन्हें बेसिकली बोलते हैं टर्मिनल मेथड्स, जो कि बेसिकली क्या होते हैं कि या तो वो कुछ नहीं रिटर्न करते हैं, वो मेथड्स या तो कुछ नहीं रिटर्न करते हैं या फिर नॉन स्ट्रीम टाइप का वैल्यू रिटर्न करते हैं, राइट। नॉन स्ट्रीम मतलब कि स्ट्रीम टाइप की वैल्यू नहीं रिटर्न करेंगे, मतलब कि स्ट्रीम जस्ट लाइक अ एरे, समझो, इतना समझो, लिस्ट है सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स का, राइट। और इसमें ये हमेशा स्ट्रीम टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब कि एक एरे टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इस तरह से समझ लो, सिंपल वर्ड में, ठीक है। स्ट्रीम को समझाने का यार तरीका यही है बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैं एरे बोल रहा हूँ, राइट। और एरे ही होता है यार सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, एरे में भी बोलते हो, कलेक्शन फ्रेमवर्क में भी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होता है, और स्ट्रीम बेसिकली क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर मैनिपुलेशन ऑपरेशंस करने के लिए ही यूज़ होता है, राइट, और कुछ नहीं है, और इसमें कुछ स्पेशलिटीज नहीं है, मतलब कुछ भी स्पेशल नहीं है, आई मीन, राइट, बस ऑपरेशन मैनिपुलेशन के पर्पज से स्ट्रीम एपीआई आई है और कुछ नहीं है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ओके। तो बेसिकली क्या है, इंटरमीडिएट वाले जितने मेथड हैं वो स्ट्रीम रिटर्न करेंगे, टर्मिनल मेथड या तो वॉइड रिटर्न करेगा या तो नॉन स्ट्रीम टाइप की वैल्यूज को रिटर्न करेगा। और गाइस इंटरमीडिएट मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं, जैसे फिल्टर हो गया, मैप हो गया, कलेक्ट हो गया, ये सब इंटरमीडिएट मेथड है। टर्मिनल मेथड जैसे फॉर ईच है, काउंट है, ये सब क्या है आपके टर्मिनल मेथड है, ओके ओके, करके दिखाता हूँ एग्जांपल यहाँ पे जल्दी से, अब कुछ यहाँ पे रह नहीं गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ गाइस। लेट्स से कि मान लो कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहले एक नई चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ चीज़ें यूज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे इंट स्ट्रीम, ओके वन सेकेंड, इंट स्ट्रीम, ओके फाइन, पैकेज नहीं मिल रहा था, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले रेंज करके दिखाता हूँ, रेंज मतलब का इस यहाँ पे समझो, मान लो कि आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वेब एप्लीकेशन में एक फॉर्म है, उसमें किसी पर्सन की डिटेल आप यू नो इनपुट करवा रहे हो और इसमें एक एज भी है, राइट। तो एज के लिए आप क्या करते हो, मान लो कि आप मैनुअल किसी से इनपुट नहीं करवाना चाहते, उसमें ड्रॉप डाउन आपने बाइंड कर दिया, तो ड्रॉप डाउन में वो अपनी एज सेलेक्ट करेगा, तो मैक्सिमम एक पर्सन कितना जीता, आज के समय में यार 1 to 100 बहुत सफिशियंट है, तो मान लो कि 1 to 100 के लिए आप डायनेमिक ड्रॉप डाउन बाइंड करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन में, तो आप क्या करोगे यार, सर्वर साइड पे या तो आप लूप चलाओगे 1 to 100 तक, राइट, या फिर ऑफकोर्स यही करोगे, उसके बाद उसको डायनेमिक बना के, लिस्ट बना के उसको जो है यूआई सेक्शन में बाइंड करोगे। अगर आपको थीम लिप का थोड़ा सा अंदाजा होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में मैं वो कवर करूँगा थीम लिप की सीरीज, राइट। तो वहाँ पे इस तरह से बाइंड कर देते हैं, तो आप उसके लिए लूप यूज़ कर रहे हो, लेकिन देखो वो कितना ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो रेंज का इस्तेमाल किया, लेट्स से कि मुझे 1 to 100 एलिमेंट प्रिंट करना है, या फिर तो आप फॉर लूप यूज़ करोगे 1 to 100 के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो रेंज से कैसे करेंगे, 1 to 100 तक करना है, यहाँ पे 1 to 100 नहीं करते हैं, 1 to 10 तक करके दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कंसोल की स्क्रीन बड़ी करके दिखानी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे 1 to 10 तक प्रिंट करना है, इसलिए 1 to 11 इनपुट किया है। अगर 1 to, क्योंकि अगर 10 यहाँ पास करेंगे तो 1 to 9 तक ही प्रिंट होगा, तो ये चीज़ आपको नोटिस ध्यान रखना है, आई मीन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि मान लो बहुत ही सिंपल तरीके से, वन सेकेंड, फिल्टर तो करना नहीं मुझे, फॉर ईच करना, बेसिकली ये टर्मिनल मेथड है, तो यहाँ पे टर्मिनल मेथड में मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा चीज़ों का। तो यहाँ पे मेथड रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का यूज़ करके दिखा देता हूँ। लेट्स से कि मैं सिस आउट कर देता हूँ, सिस आउट,
ठीक है, मैंने कहा एक्स प्रिंट करो, ठीक है, ये आपका लैम्डा एक्सप्रेशन है, ठीक है, मतलब फॉर ईच मैथड एक टर्मिनल मैथड है जो कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब कि फॉर ईच मैंने बताया टर्मिनल मैथड या तो वर्ड रिटर्न करता है या तो नॉन स्ट्रीम रिटर्न करता है, तो यहाँ पर नॉन स्ट्रीम का मतलब यही है कि यार कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा और यहीं से सब कुछ हो जाएगा और कुछ वापस जाएगा नहीं, बेसिकली यहाँ पे प्रिंटिंग का काम हो रहा है, रिटर्न करने का कोई भी काम नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने पास कर दिया है एज एन आर्गुमेंट, एंड देन इसको अगर मैं रन करता हूँ, लेट्स से रन एज जावा एप्लीकेशन, सो ये टू कहाँ से आ रहा, वन सेकेंड, इसको सेव नहीं किया, सॉरी, आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ये कहीं और के प्रोग्राम का उठा रहा है, कोई बात नहीं, अभी फिर से रन करते, तो यू कैन सी हियर कि यहाँ से वन टू ये 10 तक प्रिंट हो गया, काफ़ी सिंपल है। अब सोचो लूप से आप करते, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन में हो गया, कितना इजी है, कितना ब्यूटीफुली हो रहा है, राइट, ओके। अब गाइस मेथड रेफरेंस आपको पता है डबल कॉलन यूज़ करते हैं तो मेथड रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में कवर किया है, किसी वीडियो में आपने वो प्रीवियस वाली वीडियो देख लेनी है। तो सिंपली करना क्या होता है गाइस कि आपको एक मेथड के अंदर एक मेथड पास करना होता है, उसे मेथड रेफरेंस बोलते हैं, राइट। लेट्स से कि हमें प्रिंट करना है, तो इस तरह से लैम्डा एक्सप्रेशन आपको यूज़ नहीं करना, सिंपली आपको हटा दो, लेट्स से हमें प्रिंट करना है या तो न्यू लाइन में प्रिंट करना है, तो अभी प्रिंट करना है तो प्रिंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें न्यू लाइन में प्रिंट करना है इसलिए प्रिंट एलन का यूज़ करेंगे, लेकिन ये प्रिंट और प्रिंट एलन दोनों मेथड कहाँ अवेलेबल हैं, सिस्टम क्लास के अंदर आउट एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे करके दिखा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट आउट, और यहाँ पे डॉट आउट करके प्रिंट, ये देखो यहाँ पे प्रिंट स्ट्रीम शो कर रहा है, राइट। तो आपको जो है डॉट करके एक्सेस नहीं करना प्रिंट एलन मेथड, आपको यहाँ पे कॉलन यूज़ करना है, क्योंकि ये डबल कॉलन यूज़ करना है, क्योंकि ये मेथड रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है, तो सेम चीज़ यहाँ पे दिखेगी और सेम चीज़ डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिलेट से कि 1 to 6 तक चलाते हैं ताकि 1 to 5 तक एलिमेंट प्रिंट हो, रन एज एंड जावा एप्लीकेशन, यू कैन सी हियर अगेन द आउटपुट दिख रहा है, सिंपल, ओके, फाइन। नाउ गाइस यहाँ पे इसको अभी कॉमेंट करते हैं, एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल है, लेट्स से कि स्ट्रीम डॉट, और यहाँ पे लेट्स से कि एसटी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वॉट एवर, ठीक है, नम कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स से कि इनफाइनाइट टर्म्स के लिए कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंट स्ट्रीम डॉट इट्रेट, तो यहाँ पे सीड में आपको पास करना होगा कि कहाँ से आप बेसिकली इनफाइनाइट तक जाना चाहते हो, लेट से कि मैंने कहा 5 से लेकर इनफाइनाइट टर्म्स तक चले, या फिर 2 से लेकर इनफाइनाइट टर्म्स तक चले, तो वो सीड आपको बेसिकली यहाँ पे मेंशन करना होता है, लेट से कि सीड बेसिकली क्या है, ओके, बिकॉज आई एम नॉट अ जीनियस पर्सन, तो यार गलती तो सभी से हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, इतना हो गया। अब लेट से कि नम कर दिया, लेकिन यार क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा तो इट्स नॉट गुड, ये तो प्रोग्राम फिर टर्मिनेट ही नहीं होगा, तो मैंने कहा नहीं यार रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो लिमिट लगाने के लिए आपको क्या करना है, लिमिट ही लगा देना है, तो लिमिट नाम का एक मेथड मिल जाता है, तो कहाँ तक आपको चलाना है, मान लो कि आपने स्टार्ट किया सीड प्रोवाइड करने के बाद, तो यहाँ पे एक एक का इंक्रीमेंट होगा, स्टार्ट कहाँ से, सीड मैंने 2 दिए रखी है, ठीक है, मैंने मैक्सिमम साइज बोल दिया कि भाई बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 10 तक हो यार, उसके बाद नहीं हो, उसके बाद ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ईच लगा दो, फिर वही काम कर दो यार, लेट्स से कि यहाँ पे इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो मेथड रेफरेंस पास कर देता हूँ, प्रिंट कर दे सिंपली, राइट, रन एज जावा एप्लीकेशन, यू कैन सी हियर गाइस, देखा सीड मतलब क्या, इनिशियल पॉइंट जहाँ से आपको स्टार्ट करना है लूपिंग, ठीक है, और उसके बाद एक एक प्लस किया है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 10, ये नंबर ऑफ वैल्यूज की बात कर रहा है, 10 यहाँ पे 10 पे ख़त्म होने की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके प्रिंट होने चाहिए, ठीक है, मैंने बोला 10, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी बार प्रिंट होंगी वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन करना होता है, राइट, तो मैंने बोला 10, तो इसलिए यहाँ पे 11 तक आया, तो ये मत समझना कि यार ये 11 प्रिंट कर रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, बेसिकली नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे अगर आप 5 करोगे तो 5 एलिमेंट्स सिर्फ प्रिंट होंगे, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ओके, फाइन, सिंपल, ओके। नाउ गाइस अब इतना समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था, अब कुछ चीज़ें और मैं करके दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सी हैं, लेट्स से कि आपको स्ट्रीम करना है यार, स्ट्रीम डॉट ऑफ ऑफ करना है,
ठीक है, इसमें वैल्यूज़ आप इस तरह से भी पास कर सकते हो, 2, 3, 4 व्हाटएवर, ठीक है। तो लेट्स से कि कुछ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, मान लो कि फ़िल्टर आपने यूज़ कर लिया, तो फ़िल्टर एक क्या है, आपका इंटरमीडिएट मेथड है जो कि स्ट्रीम टाइप का कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो हमने कहा x, लेट्स से कि यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ रख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, 10, ठीक है। तो मैंने कहा जो यार 20 से ग्रेटर हो वो भी वैल्यूज़ दिखें, ठीक है। मैंने कहा x ग्रेटर देन 20 से जो वैल्यूज़ ग्रेटर हों वही वैल्यूज़ यहाँ पे रिटर्न हो, ठीक है। फिर मैंने इसको यहाँ से वन सेकेंड, यहाँ पे स्ट्रीम ये ऐड है, ओके, ये ऐड होगा, डोंट वरी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यार चलो फिल्टर हो गया। फिर मैंने कहा कि ओके, अभी मैप करके नहीं दिखाते, ठीक है। हमने कहा वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ सिर्फ दिखाए, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मतलब कि यार मेरा कैमरा आई थिंक ऑफ हो गया, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज सिर्फ प्रिंट करें कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जो 20 से ज़्यादा हैं, मतलब 20 से ग्रेटर हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया टर्मिनल मेथड। तो टर्मिनल क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एक सिंगल वैल्यू या तो रिटर्न करता है टर्मिनल मेथड, या तो वर्ड रिटर्न करता है, या तो कुछ रिटर्न नहीं करता बेसिकली। तो यहाँ पे ये लॉन्ग टाइप का रिटर्न टाइप इसका है, काउंट का लॉन्ग टाइप का रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा सी, ठीक है, और इसको यहाँ पे सिस आउट कर दिया सी को, तो पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं। तो बहुत ही सिंपल है, 3 वैल्यूज़ हैं जो 20 से ग्रेटर है, सिंपल, ओके। मान लो कि मैंने मैप का यूज़ कर लिया। अभी गाइस यहाँ पे देखो क्या है, ये वैल्यू कैसे आ रही है, इंटीजर में वैल्यू प्रिंट हो रही है। मैंने कहा स्ट्रिंग में वैल्यू प्रिंट हो, गो डॉट समथिंग, इतनी वैल्यूज़ हो गई। और यहाँ पे फिल्टर को भी हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, ओके, क्योंकि मेथड रेफरेंस यूज़ करता हूँ। तो मेथड रेफरेंस स्ट्रिंग क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग टू अपर स्ट्रिंग नाम का वैल्यू है। मतलब कि मैंने क्या करना है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ सिंपली। मैंने कहा कि जो जे से स्टार्ट हुए हैं वो वाले एलिमेंट्स फ़िल्टर हो जाएं। फ़िल्टर होने के बाद मैंने मैप का इस्तेमाल किया जो कि इंटरमीडिएट मेथड है, फ़िल्टर भी इंटरमीडिएट मेथड है। मैंने कहा वो अपर केस में हो जाए, ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट होने के बाद देन फाइनली जो है प्रिंट हो जाए। तो मैंने कहा कि प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट होने के लिए यहाँ पे मैंने फॉर ईच यूज़ कर लेना सिंपली। और यहाँ पे यार यही यूज़ कर लेते हैं मेथड रेफरेंस, काफ़ी सिंपल रहेगा। चाहे तो लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर लो, जो आप कन्वीनियंट लगे वो यूज़ कर सकते हो। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं सिंपली। और मैंने इसको क्विक रन एज जावा एप्लीकेशन किया। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे अपर केस में वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं। अगर आप लोअर केस में करते हो तो लोअर केस में आ जाता है यार, बहुत ही सिंपल है। तो यही ब्यूटी है यहाँ इस चीज़ की, तो काफ़ी सिंपल लगता है, दैट्स इट, ओके। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि मान लो अभी तो देखो यार ये टू लोअर केस क्या है, बेसिकली ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट। लेकिन इसको मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ना रिटर्न करे, बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करे। तो मतलब कि मैप के अंदर की कोई फिक्स नहीं है कि वही सेम रिटर्न टाइप रहेगा, ठीक है। प्रेडिकेट यहाँ पे एज अ पैरामीटर ले रहा है, तो प्रेडिकेट ऑलवेज रिटर्न क्या करेगा, बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा हमेशा, क्योंकि उसके अंदर एक ही मेथड अवेलेबल है जो कि टेस्ट टाइप का है, राइट। टेस्ट टाइप का मतलब उसके अलावा भी मेथड्स हैं, डिफॉल्ट मेथड्स हैं जो ऐड किए गए हैं जावाइट से, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, लेट्स से इज एम्प्टी। तो यहाँ पे अभी देखो बूलियन वैल्यू रिटर्न हो रही है, सिंपल, काफ़ी सिंपल है गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको बेसिक यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी, और मुझे नहीं लगता कि और कुछ इसमें रॉकेट साइंस है और मुझे कुछ ऐसा चीज़ दिखाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और जाते जाते दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इमेजिन करो कि मैं, ओके, वन सेकेंड, इसको भी कॉमेंट ही कर देते हैं। आपको यूज़ करना है तो मैथ, हम चाहे तो यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग मेथड रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा क्या है, बेसिकली रैंडम मेथड है। तो यहाँ पे रैंडम को यूज़ कर लिया, राइट। तो काफ़ी सिंपल है। ये करने के बाद आपको करना क्या है, इस यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, इसको चाहे तो किसी वैल्यू पे होल्ड कर लो, उसके बाद होल्ड करने के बाद लिमिट लगा के कर देते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो इसी लाइन में कर दें यार, ठीक है, तो किसी वैल्यू पे होल्ड मत करो। लेट्स से कि मैंने कहा कि कहाँ तक रैंडम वैल्यू जनरेट हो, वहाँ तक रैंडम वैल्यू जनरेट कर देते। लेट्स से कि मैंने कहा कि भाई 15 तक रैंडम वैल्यू जनरेट हो, उसके अलावा ना हो, नहीं 15 तक नहीं करते, ज़्यादा हो जाएगा। लेट्स से 8 तक करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे फॉर ईच कर देते हैं। फॉर ईच अगेन यहाँ पे फॉर ईच के मेथड रेफरेंस को यूज़ कर लेते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। होल्ड द मीनिंग यार, एक्चुअली लिमिट का मतलब क्या है, वन सेकेंड, चलो
इसका मीनिंग, वन सेकेंड, हाँ मैक्सिमम वैल्यूज, ओके ओके वन सेकेंड, इसको बेसिकली मैंने यूज़ नहीं किया, आप इसको चेक कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके बेसिकली ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को दिखा रहा है, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया, लिमिट का मतलब यार यार जो यहाँ पे मैंने बताया था सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यार, ठीक है, जैसे कि एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच पास किया है, फाइव है तो फाइव टाइम आ गया, राइट, तो रैंडम तो अपने हिसाब से काम कर रहा है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर यार अच्छी लगी हो तो यार वीडियोज़ को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा यार हमारे कंटेंट को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर लाइक इट देन गिव थम्स अप एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और मुझसे जो बोलोगे मैं उस पर स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड यू नो कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।